इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। जहां लॉकडाउन के चलते बेसहारा हुए बुंदेलखंड के मजदूर अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, कुछ लोग पैदल चलकर मऊरानीपुर तक पहुंच रहे हैं। जो लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, उनके खाने पीने का प्रबंध तक नहीं, उनके लिए नगर पालिका अध्यक्ष और SDM द्वारा शेल्टर होम बनवाया गया है। जहां शहरों में बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद होने से वहां काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, तो वहीं कंपनी के मालिक उन मजदूरों की रहने और खाने पीने की व्यवस्था किए बगैर ही भाग निकले। ऐसे में बुंदेलखंड के मजदूर किसी तरह झांसी और मऊरानीपुर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ मध्य प्रदेश के मजदूर सीमाएं सील होने की वजह से तो कुछ जेब में एक रुपये न होने की वजह से परेशान है। जब पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में मजदूरों के लिए ना तो कोई काम है और ना ही कोई खाने पीने की जुगाड़। ऐसे लोग जब मऊरानीपुर पहुंचे तो उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव और नगरपालिका अध्यक्ष हरिश्चंद्र आर ने उनकी मदद करने का बीड़ा उठाया और इन सभी बेसहारों को राहत देने के उद्देश्य से नगर के बस स्टैंड के प्रतीक्षालय और नगर की एक धर्मशाला में शेल्टर होम बनवाया, जहाँ पर इन सभी के रुकने का उचित प्रबंध और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ रुकने वाले सभी गरीबों को तब तक शरण दी जा रही है जब तक आपातकाल की स्थिति में सुधार नहीं होता। मऊरानीपुर के उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि जरूरत के अनुसार नगर में अन्य शेल्टर होम भी बनाए जाएंगे। आज यहाँ पे शासन के निर्देश के अनुसार आगे जो हमारा यहाँ पे शेल्टर होम है उसकी हमने यहाँ पे व्यवस्थाएं कुछ करवाई हैं। इसमें हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा यहाँ पे जो हमारा शेल्टर होम है यात्री प्रतीक्षालय, वहाँ पे एक बड़ा हॉल जिसमें 10 बेड, पानी की व्यवस्था वहाँ पे कराई गई है, लाइट की व्यवस्था वहाँ पे है, पंखे की व्यवस्था वहाँ पे है, उसके साथ साथ में वहाँ पे साथ में अटैच लैट्रिन बाथरूम की भी जो व्यवस्था है वो वहाँ पे कराई गई है। इसके साथ साथ में नगर पालिका का ही हमारा एक मूला देवी धर्मशाला है, वहाँ पे हमारे इस समय 25 कमरे अभी तैयार हो रहे हैं और उस कमरों में बेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और अटैच लैट्रिन बाथरूम की जो व्यवस्था है वो वहाँ पे करवाई जा रही है। इसके साथ साथ में इन शेल्टर होमों में आगे आने वाले समय में जो भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।